तो दोस्तों आज हम लोग जो आए हैं पुष्कर के अंदर डेजर्ट में, जो कि अजमेर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम लोग जो है जिस लोकेशन पर है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम्स ऑफ रोडिंग होती है। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो डेजर्ट एरिया है। और पूरे राजस्थान के अंदर दो ही डेजर्ट एरिया है, पुष्कर और एक जैसलमेर के अंदर। और हमारी आज की जो लोकेशन है वो है सावित्री माता मंदिर, जो कि ऊपर की तरफ जो टॉप पे जो एक हल्की सी लाइट दिख रही होगी आपको, सावित्री माता मंदिर है वहाँ पर। और पुष्कर के अंदर जो कि आपको सबका पता ही है कि वर्ल्ड फेमस जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर के अंदर है, सबसे पुराना, वो अजमेर पुष्कर के अंदर ही है। और जो भी अगर पुष्कर आए हो, हमारे जो भी वीडियो देख रहे हो, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप पुष्कर में आए थे या नहीं आए थे, या वीडियो यहाँ पर आपने विजिट करी या नहीं करी कोई भी जगह पर आकर के। तो लेकिन हम लोग आज जो यहाँ पर आकर के और अपने नाइट कैंपिंग करेंगे। और कुछ टाइम से यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी सुनाई दी जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक वार्निंग है कि यहाँ पर जो है लेपर्ड जो है, पूरी फैमिली लेपर्ड की, वो आसपास में घूम रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर अपनी जान जोखिम में तो डाल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नॉर्मली वैसे सब लोग रहते हैं दिन के टाइम में, लेकिन रात को कोई भी नहीं रहता है यहाँ पर। रात को सन्नाटा छाया हुआ रहता है, रात को सब यहाँ से निकल चुके होते हैं। पूरी जगह नीचे पूरा घना जंगल है, वो दिखा दे एक बार। यहाँ पे लेपर्ड का मूवमेंट 2 महीने हो गए रेगुलर बताया जा रहा है। टॉर्च का, टॉर्च टॉर्च से क्या करोगे? टॉर्च से वो लाइट के ना वहाँ तक अपने रेंज दिखा सकते हैं। और ये अभी रात के टाइम पे तो यहाँ पे कोई नहीं आता, टॉर्च से दिखा देते हैं आपको। रात के टाइम यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि एरिया पूरा क्या पिछली साइड में क्या जंगल है ना, उस साइड में पीछे पहाड़ आ गए। सावित्री माता मंदिर के बाद जो पहाड़ है, अभी क्या कोहरा हो रहा है ना, कोहरा हो रहा है, फॉग से दिख नहीं रहा क्लियर। बादल है ना सारे सारे, सावित्री माता मंदिर तक बादल ही बादल आ रहे हैं, मंदिर भी ढक चुका पूरा बादलों से। हाँ, सिर्फ एक हल्की सी लाइट की एक झलक से दिख रही है मंदिर के वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। मौसम भी बहुत ऐसा हो रखा है, पहले नाइट कैंपिंग चालू कर लेते हैं, सुबह का टाइम है, फिर अंदर बैठ जाएंगे। मौसम पूरा बारिश का हो रखा है यहाँ पर, अभी चालू करते हैं हम लोग हमारी नाइट कैंपिंग के सारे तामझाम, जितने भी हैं खाने वाने की चीज़ें सब बाहर निकालते हैं। तब तक आप हमारे टाइम लैप्स को एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, लेपड़ आ गया तो भाग जाएंगे। पैसा बोलता है पैसा, वो तो पब्लिक का शुक्रिया करो, इन्होंने अपनी वीडियो सबसे ज्यादा देखी, इनसे जो कमाया अपन ने टेंट खरीद लिया। आज भी वीडियो पे कमेंट्स आया था कि नाइट कैंपिंग करो और नाइट कैंपिंग बनाया करो, तो हम नाइट कैंपिंग ही बनाते हैं। नाइट कैंपिंग ही बनाते हैं तो आप अगर ज़्यादा देखोगे और ज़्यादा आपकी तरफ से ज़्यादा पैसा है, तो इससे बड़ा टेंट है ना वो अपना टेंट हाउस वाला टेंट आता ना बड़ा वाला, कनात वाला, कनात वाला, वो ला करके यहाँ टिकाएंगे, चार बल्ले टिका करके फॉर्च्यूनर के ऊपर चारों बल्ले टिकाएंगे वहाँ पर बैठाएंगे, हलवाई बैठा करके देखो, और दे धन्ना दी दे पन्ना दी करेंगे। अभी लो बजट है तो पुष्कर आ गए, हाई बजट होगा तो जैसलमेर चल जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पे नाइट कैंपिंग करो। नहीं नहीं, कजाकिस्तान, आपकी कजाकिस्तान अगर इन्हें फुल सपोर्ट दिया नाइट कैंपिंग में, इस वीडियो में और पुरानी वीडियो में, तो छत पे नाइट कैंपिंग वाला ओपन होता है ना कैंप पूरा, ऐसा बोल रहा है छत पे, छत पे पौधा टोटल छत पे, नहीं छत वाला लगाएंगे, पूरा वाला जो आए निकाले फिटिया स्टार्ट। तो काम करे फिर, वो ट्रैक्टर है क्या भैया? ट्रैक्टर ही वो ले ले, और अदीप भैया वो ट्रैक्टर ही ले ले, और रामदेवरा जाते जो टेंट बांध के पीछे की तरफ जो टोली है उसके अंदर लिखा देंगे, और उसमें जरूरत क्या है, अपने पास फॉर्च्यूनर है, पीछे डाला लगाएंगे उसका, फॉर्च्यूनर के पीछे माता जी का मंदिर का भी वो लाइट ऐसे हो गई, वो माता जी का मंदिर तो ढक गया पूरा, चेंज हो गया बिल्कुल, माता जी का मंदिर तो ढक गया। हां तो मौसम चेंज हो गया, जल्दी से जो भी बनाना करने का बनाते, फिर बनाओ और सो जाओ, अपने टेंट के अंदर मस्ती करो, टेंट के अंदर मस्ती। अभी टाइम क्या हो गया भैया? मस्ती कलल, भैया 9 बजे आए थे,
अभी टाइम क्या हो गया? 1:00 मैं एक बार रुक जा, एक बार उसे दिखा दूँ यार रोलिक को। गूगल टाइम, गूगल टाइम इन इंडिया, गूगल टाइम इन इंडिया। टाइम क्या हो रहा है? 12:00 है, 12:50। सबसे बढ़िया है ना, अपन इतनी जगह दूर दूर जगह आ गए, पुष्कर इतना फेमस है, अपन यही नहीं है। एक हमारे ना फ्रेंड है, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे ना तो उनके लिए बता दूं कि वो उनका एक फेमस डायलॉग है, बादशाह की तरह जाऊंगा, बादशाह की तरह आऊंगा, बादशाह की तरह जाएंगे वो, बादशाह की तरह गायब हो जाऊंगा। और बादशाह कमेंट कर दे तो बढ़िया। हाँ, लेकिन हाँ, जिनका ये डायलॉग है ना उनका कमेंट जरूर आना चाहिए बच्चों। चलो क्या करें, थोड़ी देर बैठे, पहले रेस्ट करें, अभी देख भूख तो है नहीं, थोड़ी देर पहले बैठते हैं, बना लो मौसम को प्रस्तुति, अगर बता के मैगी वैगी सब भूल जाएंगे। पानी का कुंड बन गया बीच में, पानी जम गया और पास में टेंट लगा हुआ, एक और पुराना सा, ये तो बहुत बड़ा है, तो दिख नहीं रहा भी। हाँ, देखो पब्लिक के कमेंट आए, तो 24 घंटे वाला क्या बोलते हो? बिल्कुल, आप लोग अगर पूरा कमेंट करोगे ना इस वीडियो को 24 घंटे का करके दिखाओ, तो हम लोग पूरा दिन का और रात का टोटल रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कोई टेंट, कोई तकिया, तो अगर 24 घंटे का ये वीडियो अगर अच्छी चलती है आप लोगों की तरफ से, तो 24 घंटे का करेंगे, जिसमें कोई टेंट नहीं होगा, कोई हमारे बनाने का कुक नहीं होगा, मतलब कोई सिलेंडर, कोई मैगी वैगी नहीं होगा, कोई कपड़े नहीं होंगे, कोई गाड़ी नहीं होगी, वो फिर बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से होगा, देसी चूल्हा बना करके, लकड़ी ढूंढ करके, ना, ना, वो भी नहीं होगा, तो क्या होगा? देंगे तो बढ़िया देंगे ना, खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाना खाएंगे, लेकिन क्या होगा, ब्रेड, नमकीन या बिस्कुट और एक पानी की बोतल, उसे 24 घंटे पूरा यहीं पे किसान घूमना, ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट, उससे ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है खाना बना करके यहाँ पे, दाल बाटी चूरमा खा के बन गया मैं तो सूरमा। नहीं तो फिर वो जो आज तक आपने नाइट कैंपिंग में क्या देखा होगा, दाल बाटी की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो फिर वो जाके देखना, शमशान पास में ही हो, ये खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, वही नहीं पड़ के चल जाएंगे। ब्रेड वाला कॉम्पिटिशन जो है अगर करना ही चाहते हो, ब्रेड, नमकीन और पानी की बोतल, तब फिर तो लगाओ। अरे एक काम करते, अपन छोड़ते, अपन पब्लिक पे छोड़ देते हैं कमेंट, जिस चीज के आएंगे वो करेंगे अपन, तो लेकिन नहीं यहाँ पे वो ध्यान रखना, वो क्या बोलते उसको, लेपर्ड है यहाँ पे, लेपर्ड नहीं तो? अरे उसको अभी नहीं खाता रहे, क्या बोलते उसको, साड़ा, अरे नहीं रे यार, नेवला, भालू, सियार, सियार, अरे भैया सियार वियार नहीं होता, वो आता लाइट देख के भाग के आती है, नील गए, नील गए, हाँ नील गए हैं यहाँ पे, अगर गलती से लाइट देख ली, वो तो यही तो देखी थी हमने पीछे भी, वो टेंट लेके चली जाएगी और हम चले जाएंगे इस साथ में, अंदर मिट्टी मिट्टी पैसे कम तो लिया, ये कौन लेके आया इसका, ये मसाला पाउच, ये पानी डाले पीछे से, ये पानी बड़े बोतल, पहले पाउच डालेगा या मसाला डालेगा, उधर ठीक है हवा बहुत तेज चल रही, लेकिन ये बनेगी कब तक,
या तो मैं उस तरफ आके बैठूं, है ना, इस तरफ से कुछ शरीर बढ़ाया तो रोक लूं, इस तरफ से क्या कुछ चीज़ हवा रोके। देखिए ये जो कैंपिंग है ना, इसमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है ना। हाँ है ना, इसे आराम से बैठे आराम से बस्ती कर रहे हैं, लेकिन रिस्क फिर भी है क्योंकि जानवर बैक साइड है, इसी को नजर पूरा पीछे नजर चारों तरफ ही रखना। लेकिन भाई पीछे पूरा जंगल है, पूरा जंगल का इलाका है, पर तो न्यूज़ में सब जगह आ चुका है, यहाँ पे पैंथर वगैरह लेपर्ड वगैरह सब है। लेपर्ड तो साइड है, वो माता जी के मंदिर के पीछे ही था। हाँ देख, कोई बड़ा सा जानवर है कहीं से रास्ता है। तो गाइस मैगी बन चुकी है और कैमरा मैंने उठा लिया, अब देखते हैं। ये देखो कानून, तेरे पीछे दो लाइटें गई, लाइटें मतलब वो गई आग, देखना अंधेरे बनाते रहो, पीछे सांप आ गया ना, ऐसा पिछोड़े का काटे का ना। मैं तो मर जाऊंगा, मैं जानती हूं आपको। देखो आ भैया डर के मारे भाग गए, और देखते हैं मैगी कैसी बनी है। देखा करो, देखो ये हमारा टेंट, ये अंदर से किसी नहीं दिखाया, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आई सी यू बैठे हो, ये धोखा देगी, तीन आदमी मर गया। मिलते हैं थोड़ी देर बाद इस जंगल, इस मिट्टी और वो भगवान के मंदिर से, लेकिन यहाँ से आवाज आई है तो देखते हैं कोई जानवर आएगा। और तो ये चलो खाने भी आ देते, तो मिलते थोड़ी देर बाद। रात क्या टाइम हो चुके, 2:08, खा पी के निबट चुके हैं, अब बर्तन धोए जा रहे हैं। बाकी मैं दिखा दूँगा, आसपास कोई भी नहीं हमारे अलावा, पूरा घना जंगल, और जो मैंने आपको पीछे दिखाया था सावित्री माता का मंदिर था पहाड़ के ऊपर, अब वो पूरा ढक चुका है। अब बरसात का मौसम हो चुका है बिल्कुल तगड़ा, बरसात आ सकती कभी भी, तो अपन को भी यहाँ से इस पर से लाइट वगैरह हटा करके इस पर कवर रखना पड़ेगा, इससे क्या पानी अंदर नहीं आएगा। फिर भाई कचरा मत फैलाना बस यहाँ पे, कचरा जो भी अपने साथ लेके चलना, ये कभी भी ऐसी कोई जगह पे आप भी अगर जाते हो तो वहाँ पे कचरा ना ही फैलाए सबसे बढ़िया। ठंडक है यहाँ पे, हमने खाना वाना खा लिया, थकान ज़्यादा हो चुकी है, तो दो जने गाड़ी यहाँ पर है, हम मैं और तानू दोनों दोनों अंदर गाड़ी में जाकर के रेस्ट करते हैं। चैन लगा दो, चैन लगा दो, जानवर भूत आ गए, जानवर वानवर आ जाए तो चिल्ला देना, हमको उठा देना, फोन कर देना, ठीक है ना। दिख तो रहा है समुंदर, चलो अपन गाड़ी में चलते हैं अंदर की तरफ। जाओ कोई जानवर आएगा ना, यहीं से मुंडी सब बाल जाएगा पूरा। देख ये तेरे भाई फटाफट जगह पकड़ता है, एरिया कवर कर रहा है, ये बहुत जल्दी पकड़ता है हर चीज़, एरिया कवर कर रहा है। सो जाओ चलो, सो जाओ, वैसे भी रात के यार ढाई बज चुके हैं, एम्बुलेंस चालू हो गई तेज तेज, अरे ढाई बज चुकी रात, चलो 2:26 हो गए, चलो बंद सोते हैं, चलो चलो भाई। क्या हुआ रानू, ओ भाई उठ जा, क्यों उनको पता नहीं कुछ आवाज सुन रही थी, ला जा जल्दी, कैमरा कैमरा लो, क्या क्या करूं सर, ये पीछे गाड़ी बैठी है, चुप करो, बिल्कुल पास में आ चुका था, नजदीक चलो, नजदीक ही था वो, इधर आ आगे चमक रही थी, हवा भी तेज हो रही है, मैं उन्होंने जल्दी देख लिया, किस तरफ देखा है, अरे बेस देखो बैठ जाओ, अभी टॉर्च का टॉर्च आवाज भी आई, टॉर्च का टॉर्च, टॉर्च नहीं है बस, आप अंदर गाड़ी बैठ जाओ, मैं यहां से जानवर है ऐसा नहीं, क्या दिखा टॉर्च है तो टॉर्च दो ना, एक बार देख लेते हैं, पेपर टॉर्च, मैं देखता हूं, क्या किस तरफ दिखा आपको, आगे भी देख लो, आगे भी नहीं, मतलब मैं भी आ रहा हूं, अरे
ओए कुछ जान कुछ जानवर क्या कुछ कुछ भैया आगे चुपकी ओ भैया 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 गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ गाड़ी बचाओ अरे अंदर घुस अंदर घुस अरे यार अरे अंदर आ जा क्या क्या था अभी अंदर आ जा आगे जा क्या था कौन सा जानवर तू मेरे ख्याल से सियार लग रहा पता नहीं क्या था एकदम घर जानवर थे कोई और लेकिन है ना कुत्ते भागे थे अरे कुत्ते कहाँ चलेंगे जंगल यहाँ पे यार भैया अटैक हुआ ले लेपर्ड का लेपर्ड का अटैक ये देख ये देख हो जा रही है हैं क्या बोल रहे हो मेरी ख्याल से कुछ ना कुछ जानवर तो यहाँ पे कुछ अभी हुआ है अटैक सा शायद तक लेपर्ड हो सकता है जानवर का शिकार कराओ आपने देखा था क्या कुछ अरे ये एकदम से मैं तू इस तरफ गया था देखने हाँ मैं उस तरफ गया हाँ तो सामने की तरफ टेंट के सामने हाँ उधर मैंने कहा मैं उस तरफ देख लेता हूँ एकदम से ना जोर से ही आवाज आई पता नहीं क्या चीज एकदम एग्जिट पता नहीं पड़ा पता नहीं ऐसा ऐसा तो जैसे किसी को मतलब एक है ना पलक झपकते वाले सेकंड्स वाले मामला था खाली कोई जानवर पे तो अटैक कराओ हाँ कोई अटैक कोई हमला होगा किसी जानवर पे चीज क्या हो जाएगी एकदम से कुछ ना कुछ तो है मैं रिस्क है यार या भाई भैया को इन्फॉर्म दो भैया को अंदर बुला लो तो कि वो बाहर अकेले उनके भी रिस्क है यार वापस चल के देखे क्या ये देख कुत्तों को चलाने की आवाज़ तो आ रही है रेगुलर एक बार ट्राई करते हुए चल के लिए ध्यान से चलना किसी ना किसी को तो अटैक हुआ है कोई जानवर का शिकार तो हुआ देखो ध्यान से ना आराम से रोने की आवाज भी आ रही जानवरों की एकदम से कुछ शिकार वैसे कुछ हुआ भी हुआ कुत्ते को हुआ कुत्ते का मेरे ख्याल से ना ये अपने कुछ ज्यादा नजदीकी था नजदीक था हाँ और ये ना ये वाला एरिया ये मैं ना यहाँ था कालू इधर गया था और मैं यहाँ था एकदम से कुछ चीज ना ये सामने से भागती हुई वो कुत्ते को ले गया मेरे ख्याल से यार हमने तो उधर देखा था कैमरे पता नहीं कुछ ऐसा कुछ चमकता दिखा था शायद ये देखो ये नीचे का जंगल जैसा है कुछ पूरा जंगल है ये पूरा जंगल एरिया पीछे पीछे भी ठेठ आ गया तो जंगल है पूरा पहाड़ तक पूरा पता नहीं कहता लेकिन ऐसा ना कुत्ते को खींच ले जाने वाली आवाज आई थी अभी का टाइम क्या है चार 4:31 दिख रहा है क्या नहीं देख 4:32 4:32 लेकिन पहले मेरे को दिखा ये वाला टाइम क्या ना सोने का भी होता ना किसी का अटैक तो होगा एकदम से वो है ना हाँ। चीखता हुआ खींचता हुआ गया वो पता नहीं आवाज आई नहीं वो कैमरे में आया नहीं वो देखना पड़ेगा एक बार एडिटिंग पे कुछ ना कुछ तो था यहाँ पे चलो निकले यहाँ से मेरी मान निकल रहा है अभी क्योंकि अभी क्या सेफ नहीं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या पूरे प्रॉपर तरीके से तो कुछ दिमाग से करना पड़ेगा वही तो पास में तो कोई दिक्कत भी नहीं है लोकल एरिया ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी अपन ये सोच के आ गए लेकिन अपन को पता था जानवर वानवर तो होंगे लेकिन ये तो अभी अचानक से हुआ है ये क्या अभी न्यूज़ में भी है ना क्या अभी यहाँ पे लेपर्ड का ना पुष्कर की घाटियों के अंदर भी देखा गया है और इधर आसपास के जंगलों में भी देखा गया तो उसकी मतलब क्या है कि अपीयरेंस यहाँ आसपास में मिली जरूर है
मेरे वहाँ समझने वाला भी है यार, क्योंकि देखो इस तरफ है ना, ये सामने तरफ इस तरफ है ना, इस तरफ में कुछ था। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अपने पास की बात है ये, बिल्कुल सामने की यहीं की बात है ये ना, ये वाली जगह ऐसे मार के और ये वाली जगह ना, ये वाली वो तो यहीं की बात थी वो, और यहाँ से सीधा उसको नीचे ले गया वो।